एवरीवन, वेलकम टू टाइनी फीड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स पर। तो फ्रेंड, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको ये जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है कि मैंने जो कंसीव किया है वो एक बेबी बॉय है या एक बेबी गर्ल है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी भी ये जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती थी कि कोई ऐसा सोर्स हो जो एक्यूरेसी एकदम बता पाए कि मैंने जो कंसीव किया है वो एक बेबी बॉय है या एक बेबी गर्ल है। तो ये जो एक क्यूरियोसिटी माइंड में रहती है, ये एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी रहती है महिला की। ये सभी जानने की इच्छा रखते हैं और ये मतलब मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानूंगी। तो क्योंकि जब एक्साइटमेंट है तो उसको शांत करने के लिए जो कुछ सोर्सेज के थ्रू अगर पता चल जाए तो जो एक्साइटमेंट है, एक क्यूरियोसिटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और एक वे मिल जाता है। हम ड्रीम जब करते हैं कि अच्छा हम एक बेबी बॉय होने वाला है तो हम उसके लिए इस तरह से शॉपिंग करेंगे, इस तरह से कपड़े लेंगे, ये चीज़ें हम कलर कराएंगे अपने रूम में, इस तरह से डेकोरेट करेंगे। तो एक जो वे मिल जाता है पेरेंट को अपनी पेरेंटिंग एक्सपीरियंस को करने के लिए, तो ये बस एक तरीका है। तो ये एक तरीका जो है जेंडर कैलेंडर के थ्रू आप पता कर सकते हैं, किस तरह से आप पता कर सकते हैं कितना इसका रिजल्ट एक्यूरेट देता है। और इसकी एक्यूरेसी पे भी बात करेंगे कि कितने परसेंट महिलाओं का ये सही साबित होता है। साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि जो इस जेंडर कैलेंडर के थ्रू रिजल्ट आया और उसका रियल रिजल्ट से मतलब कितना कनेक्शन रहा, उस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। बात करते हैं यहाँ पर कि जो चाइनीज़ कैलेंडर है वो कब बनाया गया और ये आज भी अवेलेबल है या हर साल ये चेंज होता है। तो ये आज भी चाइना में कहीं उनके म्यूजियम में रखा हुआ है और ये ऐसा बोला जाता है कि 500-600 साल पहले ये बनाया गया था चाइना के ही ऋषि मुनियों के द्वारा, क्योंकि उनके राजा भी उस टाइम पर ये जानने की इच्छा रखते थे कि उनकी जो रानियां हैं वो एक राजकुमार को जन्म देने वाली हैं या एक राजकुमारी को। तो ये तब बनाया गया था, ये तब से लेकर आज तक ऐसे ही चला आ रहा है। तो ये कोई हर साल चेंज नहीं होता है और ऐसा बोला जाता है कि जो इसका रिजल्ट है वो 80% तक सही साबित होता है। आज तक अभी तक मतलब 80% रिजल्ट के साथ ये एक्यूरेसी देता है। तो ये वन ऑफ द एक मस्त सोर्स है एक जेंडर प्रेडिक्शन को देखने के लिए कि जो जो महिला है एक जेंडर प्रेडिक्शन के लिए इस सोर्स में मतलब एक्यूरेसी के साथ ये रिजल्ट देता है कि किस तरह से आप अपने बेबी के जेंडर को जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस दौरान, तो सबसे पहले अगर आप किसी महिला के बेबी के जेंडर को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको महिला की एज पता होना चाहिए और उसने किस महीने में बेबी को कंसीव किया है, यानी कि कंसेप्शन ऑफ मंथ आपको पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना यहाँ ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है कि एक तो जो चाइनीज़ कैलेंडर का लूनर मंथ होता है, लूनर के थ्रू आप देख सकते हैं, और एक सिंपल इसमें दो तरह के कैलेंडर अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपको अगर किसी महिला की एज कोई पर्टिकुलर सपोज एग्जांपल के लिए अगर 25 साल उसके पूरे हो चुके हैं और 2-3 महीने ही अभी उसकी क्रॉस हुए, यानी कि 26वें साल के 2-3 महीने उसने क्रॉस किया है, उसने जो कंसीव कर लिया है, तो आप उसको एज ए 25 ही कंसिडर करिएगा। और साथ ही साथ अगर उस महिला की जो एज है 25 होने में अभी 2-3 महीने बचे हुए हैं, सिर्फ 2-3 महीने का अगर कम है, तो वहाँ पर आप उस महिला की एज को 25 कंसीडर करें। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट आपको लगा के दिया है, इस पर आप देखिएगा। मैं अपना एग्जांपल के तौर पर आपको बता देती हूँ कि जब मैंने कंसीव किया तो उस टाइम पर मेरी एज थी 29। मेरा जो बर्थ होता है वो सितंबर में होता है और जो मैंने कंसीव किया था वो फेब में किया था। तो यहाँ पर 3 से 4 महीने हैं तो कंसिडर किया जाए कि मेरी एज है 29 ही है। तो 29 मंथ में मैंने कंसीव किया था जब मेरी एज थी और फरवरी में मैंने कंसीव किया, तो उसके रिजल्ट में मुझे एक बेबी बॉय इसमें दिखा रहा है, जो रिजल्ट एग्जैक्ट वही हुआ है कि मुझे मैंने एक तो ये इसका रिजल्ट मेरे ऊपर तो 100% सही साबित हुआ था। ऐसे बहुत सारे देने को मिले हैं, मैंने अपने ही फैमिली मेम्बर पर भी ये चीज़ अप्लाई करके देखी है, तो उनके भी रिजल्ट जो एक्चुअल में रिजल्ट आया वही रिजल्ट ये चाइनीज़ कैलेंडर ने भी दिया है। तो ये जो इसकी एक्यूरेसी है अभी तक काफ़ी ज़्यादा सही साबित हुई है। तो जान सकते हैं अपने बेबी के जेंडर को कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जो रिजल्ट काफ़ी हद तक सही देता है, सही साबित होता है। तो मैंने प्रॉपर से वीडियो भी बनाई हुई है जेंडर प्रेडिक्शन के लिए कि आपको क्या क्या सिम्टम होते हैं जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आपने एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके प्लीज चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।